नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरविंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEA द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत तमिलनाडु के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है क्विक क्विज। बच्चों को जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है और उससे संबंधित रिवीजन करने के लिए कहा जाता है तो वे कई बार इसे सीरियस नहीं लेते। नवाचारी शिक्षक ने बच्चों में एक गेम भावना के आधार पर उन्हें सबसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को बताया कि हम एक क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे और इस क्विज में जो ग्रुप जीतेगा उस ग्रुप के सभी सदस्यों को आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें विनर घोषित किया जाएगा, साथ में उन्हें प्राइज भी मिलेगा। जब बच्चों को ये प्राइज की बात समझ में आती है वे एक कॉम्पिटिशन के अंदर जी जान लगा करके जुड़ जाते हैं। शिक्षक इसमें क्लियर कर देते हैं कि इसमें कई अलग अलग राउंड होंगे। रैपिड फायर क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, वन वर्ड हो सकते हैं, किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड हुई क्वेश्चन हो सकता है, ओपन बुक क्वेश्चन हो सकते हैं। इस प्रकार से पूरा एक टॉपिक कवर करने के बाद में शिक्षक बच्चों को कहते हैं कि ये पूरा चैप्टर आपको घर से रिविजन करना है और शिक्षक उसके लिए 2 से 3 दिन का समय देते हैं। बच्चे अलग अलग ग्रुप में शिक्षक पहले से उन्हें डिवाइड कर देते हैं। अब जब बच्चे ग्रुप में बंट चुके हैं वे अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। वे ग्रुप में मिलकर के टीम भावना के साथ उस चैप्टर को पढ़ते हैं। अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाने के बाद एक फाइनल दिन इसका क्विज किया जाता ऑर्गेनाइज किया जाता है। शिक्षक सीटिंग अरेंजमेंट उस हिसाब से कर देते हैं, बच्चों को अपने ग्रुप में साथ में बैठना होता है। अब शिक्षक ओपन कॉरम में क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। बच्चे रैपिड फायर के अकॉर्डिंग या अपने अपने राउंड के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। जो बच्चे या जिन बच्चों का ग्रुप जीत जाता है उन बच्चों को शिक्षक हाथ से बना हुआ कोई बैच या फिर कोई ट्रॉफी बच्चों को गिफ्ट के रूप में देते हैं। यह ट्रॉफी विद्यालय में ही रखी जाती है। नेक्स्ट टाइम अगली क्विज कॉम्पिटिशन के अंदर वही ट्रॉफी वापस दोबारा से दी जाएगी। बच्चों को जो समूह जीता है उन बच्चों को कक्षा के बाकी बच्चे क्लैप करके प्रोत्साहित करते हैं। जीतने वाले ग्रुप के सभी बच्चों को शिक्षक एक एक पेंसिल उपहार स्वरूप दे देते हैं। यह एक रोचक गतिविधि है। इसके माध्यम से बच्चों को किसी भी चैप्टर को डिटेल में याद करवाया जा सकता है। इसमें बच्चों को केवल और केवल बुक के पीछे ही क्वेश्चन नहीं, चैप्टर के बीच के सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। यदि किसी कंसेप्ट में कोई क्वेरी होती है तो बच्चे खुलकर शिक्षक से पूछ सकते हैं, नहीं तो टीम में मिलकर एक दूसरे से बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। बुक्स के साथ साथ बच्चे रेफरेंस बुक को भी यूज करते हैं। ओपन बुक वाले राउंड के अंदर शिक्षक हर एक ग्रुप को एक एक बुक दे देते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों को उस बुक में से ही वो क्वेश्चन का जवाब ढूंढना होता है, तो बच्चों के लिए यह भी एक नई गतिविधि है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि पसंद आई होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIIEA को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।